हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग, नमस्ते एंड जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मस्त होंगे। तो आप सभी का फिर से एक न्यू व्लॉग वीडियो में स्वागत है। और आज का वीडियो मेरा कई दिन के बाद जा रहा है, तो सारी चीज़ें आपको व्लॉग में देखने को बताने को मिलेंगी। तो बस शाम का समय हो रहा है और आज मैं थोड़ा सा आगे पीछे क्लिप हो गई हूँ और 2-3 दिन के बाद वीडियो डाल रही हूँ। तो बस खाना बना रही हूँ और गर्मी ने हालत बस ख़राब कर रखी है। इतनी गर्मी कि अभी तो सोचो आग न खाने को दौड़ दिए, काम करने में चूल्हे वगैरह पर रोटी बनाना तो बड़ा मुश्किल ही काम है। तो बस पहले मैं बना लूँगी यहाँ पर खाना और खाना बनाने के बाद फिर करूँगी मैं पैकिंग। तो बस आज दो खुशी एक साथ हैं और क्या है वो आपको अभी पता चल जाएगी। तो पैकिंग कहाँ जाने की हो रही है आप लोग समझ तो गए ही होंगे। तो बस यहाँ पर देखिए, ये छोटी सी क्लिप थी मेरी बेटी के स्कूल की। और ये सारी चीज़ें देख के ना बड़ा सुकून और मन को बहुत खुशी होती है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई तो देखिए सब लोग चाहते हैं कि बच्चा अच्छे से पढ़े, लेकिन जब बच्चे को उसी पढ़ाई के लिए सम्मान दिया जाता है ना और जब बच्चा अच्छा करके दिखाता है ना तो इतनी खुशी होती है कि इसके आगे कोई धन दौलत कुछ नहीं है। तो बस मेरी बेटी के बहुत अच्छे मार्क्स थे, उसी की वजह से यहाँ आज इसको गिफ्ट मिला था स्टेज पर, तो आप देख ही सकते हैं। तो बस तो ये थे और ये साथ में गए थे, मेरे देवर गए थे। और आप लोग बोलते रहते हो कि आपके देवर नहीं दिखते हैं व्लॉग में, तो दिखते इसलिए नहीं है क्योंकि व्लॉग बनाती हूँ मैं और ज़्यादातर आप लोग मेरा ही काम देखते हो और मेरा और उनका थोड़ा सा कम हम लोग जैसे बातचीत करते हैं तो उतना नहीं, तो इसीलिए नहीं दिखते हैं आपको। और ये देखिए स्कूल से जो मिला था, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि क्या मिला था स्कूल से। ये सर्टिफिकेट था इसका जो इसने फर्स्ट रैंक अपना वो किया था उसका। और ये बैग था, ये बैग है, स्कूल बैग ही है। और साथ में मिठाई मिला था एक डिब्बा। और इस स्कूल में ना जैसे इनाम काफ़ी दिए जाते हैं, जो 12th पास में बच्चे फर्स्ट और वो आए ना उनको 20,000 रुपये तक का इनाम दिया था। तो ये इसमें पेड़े थे और दिव्या आज बहुत खुश थी अपना बैग और ये सारी चीज़ें देख करके। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा आगे पीछे हुई, ये क्लिप दिन की थी, फिर मैंने रात वाली पहले आ गई थी। तो देखिए अभी रात का समय हो रखा है, टाइम हो गया, बहुत जल्दी करने की कोशिश की थी मैंने, फिर भी 9:30 बज गए क्योंकि खाना बनाया, खाना खाए, बर्तन वगैरह धोए, ये सारी चीज़ें करते करते काम में काफ़ी टाइम लग ही जाता है। और मुझे करनी थी आज पैकिंग क्योंकि कल मुझे जाना है। तो बस यहाँ पे बच्चों को ना, बच्चे बड़े खुश हैं जाने के नाम से, जब उनको कहीं जाने का पता चलता है तो बड़े खुश हो जाते हैं बच्चे। तो अपने आप से अपने कपड़े ना सारे अलमीरा से खाली कर दिए और खाली करके सारे तय लगा लगा के इन लोगों ने रख लिए हैं कि ये हमें सब ले जाने। तो सब तो नहीं ले जाने, जो मुझे ले जाने बस मैं उन्हीं को रखूँगी। और गर्मी की वजह से मैंने चला रखा था यहाँ पर कूलर, तो इसी की वजह से पूरा हाल भी बेहाल हो रखा है क्योंकि इतनी गर्मी हो रखी है अभी 1-2 दिन से बहुत ज़्यादा। तो सारा सामान मुझे पैक करना है अभी। तो अभी बच्चों की पड़ गई हैं जो गर्मी वाली छुट्टियां पड़ती हैं वो, और 20 तारीख से इनकी छुट्टी हुई थी। तो बस कल मुझे जाना है अपने घर मायके, और जा रही हूँ कितने दिन के लिए ये कुछ पता नहीं, बस हाँ कि हाँ अभी छुट्टी है तो काफ़ी दिन मतलब रहने को मिल ही जाएगा। और यहाँ पे अभी मैं देख रही हूँ कपड़े कौन से ले जाने हैं, क्या करना है बच्चों के मेरे, क्योंकि छुट्टी तो 1 महीने से ज़्यादा की पड़ी है, पर देखिए हम कितने दिन के लिए जाते हैं क्या होता है। तो बस यहाँ पे देख रही थी मैं अपनी साड़ी, तो ज़्यादा हैवी साड़ी ना तो मैं पहन के जाने वाली हूँ ना ले के जाने वाली हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और भारी साड़ी तो बिल्कुल भी नहीं पहनी जाती। मैं सोच रही हूँ इसको पहन के जाऊँगी, ये भी बहुत हल्की सी है, और बस एक ले के जाऊँगी क्योंकि मैं वहाँ पे साड़ी वगैरह पहनती नहीं हूँ, तो क्या करूँगी फिर साड़ी का ज़्यादा ले जाके। तो बस यहाँ पे अपने लिए साड़ी निकाल ली है, तो बस अपने लिए मैं ये 2 साड़ी सेलेक्ट की हैं, ग्रीन वाली को पहन के जाऊँगी और ये है जो इसको लेके जाऊँगी, नहीं तो मैं एक साड़ी से भी चली जाती, इसी को उधर से पहन के आ जाती नहीं, पर फिर मैं सोची चली एक रख लेती हूँ ले जाने के लिए, क्योंकि गाँव में मैं बिल्कुल भी साड़ी वगैरह नहीं पहनती हूँ। और घर जाने की खुशी ना मुझे लगता है सबके लिए बहुत ही अलग होती है, क्योंकि जब से बच्चे मेरे किसी के भी बच्चे जब पढ़ने लग जाते हैं तो कोई भी कहीं नहीं जा पाता है, बस बच्चों की पढ़ाई की वजह से। उससे पहले तो मैं काफ़ी चली जाती थी, अभी मुझे पूरा लगभग 1 साल जैसा हो गया, क्योंकि रहने के लिए तो मैं पिछली बार जब गर्मी की छुट्टी पड़ी थी तभी गई थी, लेकिन 2-3 दिन के लिए बीच में रक्षाबंधन पर चली गई थी और उसके बाद अभी तक नहीं गई हूँ। तो मैं तो आज बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ,
और बस बच्चे अपना लगे हुए हैं देखने में कौन सा क्या ले जाना क्या करना है। मेरे भी सूट वगैरह है ना, मैं यहाँ से सारे रख लेती हूँ। मेरे पास यहाँ कई सारे सूट रखे हुए थे और मैं पहनती हूँ नहीं, तो मैं अब की बार सारे घर छोड़ के आ जाऊँगी। यहाँ क्या मतलब है, क्योंकि मैं यहाँ पे साड़ी पहनती हूँ तो सूट पहनती नहीं हूँ। और जो हरी वाली साड़ी पहननी थी उसके साथ में मैं सोच रही हूँ, ये बस चूड़ियाँ थोड़ी थोड़ी सी मैंने अपने आप से एक सेट जैसा बना लिया छोटा छोटा सा, तो बस ये डाल लूँगी और कुछ ज़्यादा नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि अभी गर्मी में ना तो चूड़ियाँ कुछ भी ज़्यादा पहनने को मन ही नहीं करता है। तो बस ये चूड़ियाँ मैंने लगा के रख दी और सारा कुछ अभी कर दूँगी ना, तो सुबह की मेरी थोड़ी सी टेंशन कम हो जाएगी। सुबह को तो घर के काम इतने सारे होते हैं कि नहीं हो पाते हैं, तो मैंने जितने मुझे रखने थे ना वो सारे मैंने कपड़े रख लिए हैं, बच्चों के भी रख लिए हैं, अपने भी रख लिए हैं। और बाकी कुछ कपड़े थे जो कि अभी बच्चे कम पहनते हैं, तो वो मैं झाड़ू लगाने वाली हमारे यहाँ आती है उसके बच्चों के लिए मैंने निकाल के रख दिए हैं। तो ये लोग ना, ये देखिए आज ना ये इनका मतलब सोने का बिल्कुल भी मन नहीं है, साथ ही साथ लगी हुई है। और टाइम ना मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था ये सब करते करते, मुझे रात के 11:30 बज गए थे सोने के टाइम तक। तो बस यहाँ पे सारे मैंने कपड़े वपड़े निकाल के और बस यही देखने में लगी हुई क्या रखूँ क्या नहीं, क्योंकि मेरी आदत है एक दो ज़रूरी चीज़ें ना भूल ही जाती हूँ। मैं कितना भी ध्यान से सामान रखूँ लेकिन फिर भी मैं एक दो भूल ही जाती हूँ। और ये ना काफ़ी आज थोड़ा सा मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, इसने पूरा मेरा एलोवेरा जेल था सारा गिरा दिया। ये साथ साथ में काम करवाने की जगह मेरा बढ़ा और देती हैं, मेरा काम फैला और देती हैं। तो बस अभी देखिए, अभी तो काफ़ी लोग मुझे लग रहा ज़्यादातर सब अपने अपने घर जाने की तैयारी में लगे हुए हैं, और काफ़ी लोग हैं जो जाते हैं, जो जिनकी मजबूरी है कि अकेले रह रहे हैं या कुछ है, घर पर कोई रहने वाला नहीं है, वो लोग तो नहीं जा पाते हैं। लेकिन जिनके घर पर है जैसे अभी हम हैं तो हम चले जाते हैं छुट्टियों में और काफ़ी अच्छा लगता है। और तो बस यहाँ पर लगा ले रही थी मैं नेल पेंट, क्योंकि सुबह मुझे ध्यान रहेगा नहीं बिल्कुल, और मैं नेल पेंट ना इतनी कम लगाती हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं रहता है इन सारी चीज़ों का। मैंने देखी शादी हुए हमारे घर में, जब शादी थी उसको मुझे लग रहा है 3-4 महीने हो गए, उसके बाद मैंने नेल पेंट को अभी छू कर भी नहीं देखा। तो ये नेल पेंट भी ना थोड़ी सी सूखी जैसी हो गई, रखी रखी ख़राब ही होती हैं। तो बस सारे कपड़े वगैरह मैंने रख दिए। और देखिए काजल तो हम लोगों ने भर भर के लगा लिया, सूखा वाला काजल है ना, तो इससे आंखें भी सही हो जाती हैं। और अभी बच्चे सोए तो अच्छे तरीके से नहीं है, लेकिन हाँ सोने की कोशिश ज़रूरी ये लोग कर रहे हैं। तो इसके बाद देखिए 11:15 बज गए हैं, और इसके बाद अगर आपको मेरे व्लॉग देखने को मिलेंगे तो वो मायके के मिलेंगे, अगर मैं वहाँ पर जाके थोड़ा बहुत भी कुछ कर पाई तो, क्योंकि बातों में रह जाते हैं। आज भी देखिए मैं घर जाने के 2-3 दिन बाद इस वीडियो को डाल पा रही हूँ, क्योंकि डाल ही नहीं पाई। तो बस अभी मैं यहाँ पे बच्चे लेट गए तो यहाँ पे लगा दूँगी मच्छरदानी, क्योंकि मच्छर है ना, मच्छर इतने हैं चाहे पंखा कूलर कुछ भी चलता है लेकिन मच्छर फिर भी लगते हैं। इसी वजह से मैं बेड पे ही इसको इस तरीके से बांध लेते हैं चारों तरफ से। और रात के बज गए अभी 11:15, 11:30, तो बस अभी हम सोने वाले हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो व्लॉग के साथ में। ये आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, आई होप आप सभी को थोड़ा बहुत भी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।